मित्रों बात करेंगे धनु राशि वाले व्यक्तियों की। धनु राशि वाले व्यक्तियों की खुद की राशि में 18 साल बाद केतु महाराज आपकी राशि में सितंबर 2020 तक के लिए परमानेंट आ गए हैं। जब केतु सेकंड में धन स्थान पे धनु राशि में आपकी लगन में ही जब आपकी अपनी राशि में आ गए और राहु देव आपकी कुंडली में सातवें घर में यानी पत्नी के घर में आ गए आपकी मिथुन राशि के अंदर, धनु मिथुन आमने सामने, तो जब सातवें घर में राहु देव मिथुन राशि में उच्च के होकर के चलेंगे, शादी नहीं हो रही अगर धनु राशि वालों की तो शादी हो जाएगी, रिश्तों की लाइन लग जाएगी, उच्च के है ना, और लगन में केतु कंपटीशन में सक्सेस सफलता विदेश भ्रमण फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर देंगे, मान सम्मान इज्जत रिस्पेक्ट बढ़ा देंगे। लेकिन अगर आपके एक्सटर्नल अफेयर चल रहे हैं तो घर में कलेश के कारण भी राहु देव और लगन के केतु आपको जेल यात्रा तक भी परेशानियां भी झगड़ा झंझट भी दे सकते हैं। तो एक्सटर्नल अफेयर हैं तो राहु देव यहां पर नेगेटिव हैं, नहीं है अगर आप सीधे साधे रास्ते चल रहे हैं तो सातवां राहु धनु राशि वाले व्यक्तियों को मालामाल करने वाले हैं। आप यकीन मानिए अगर आपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ ये साल थोड़ा शांति से निकाल लिया, प्यार से उसको खुश करके, उसको गिफ्ट देके, खाना देके, प्यार मोहब्बत से, तो आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आएगा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। समझ पा रहे हैं आप? सिर्फ राहु देव के एक उपाय करने मात्र, राहु देव का धनु राशि वाले व्यक्ति क्या उपाय करेंगे, पत्नी को खुश रखेंगे और राहु केतु की शांति के लिए अगर हो सके तो अनुष्ठान कर लें। धनु राशि वाले, स्पेशली धनु राशि वाले, राहु का भी और केतु महाराज का बीज मंत्रों का पाठ करवा दें, मजा आ जाएगा, इतना मजा आप सोच भी नहीं सकते। हेल्थ भी अच्छी, बिजनेस भी अच्छा, मैरिड लाइफ भी अच्छी, घरवाली बाहर सब कुछ अच्छा।